वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज मैं इस वीडियो में जो आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो है HTML एलिमेंट्स। ओके, तो HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैंने पहले के लेक्चर में भी आपको बताया था कि HTML एलिमेंट्स पूरा डिस्क्राइब किया था कि क्या होता है वो। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था बिल्डिंग वाला, फ्लैट वाला। ओके, तो आपको आई होप वो समझ में आया होगा। तो मैं थोड़ा सा उसके डिटेल में और बताना चाहूँगा इस वाले वीडियो में। तो HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेरे पास में क्या होता है कि जो उसके अंदर दो चीज़ों से बनता है HTML एलिमेंट, एक स्टार टैग और एक एंड टैग। स्टार टैग को आप ओपनिंग टैग भी बोलते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में ओपनिंग टैग बोला था, और एंड टैग को मैंने लास्ट वीडियो में क्लोजिंग टैग से डिनोट किया था। तो सेम ही चीज़ होती है, आप कुछ भी बोल सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो जैसे आपने टैग नेम लिखा हुआ था और उसके बाद में आपने लिखा हुआ था, ये क्लोजिंग टैग हो गया हमारे पास में, तो डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, बस एक स्लैश का सिंबल और ऐड हो जाता है टैग नेम से पहले, तो वो हमारा पूरा एलिमेंट हो जाता है। ओके, तो जो भी हम इसके अंदर लिखते हैं, जैसे कंटेंट कुछ भी रहेगा हमारे इसके अंदर, कंटेंट गोज हेयर। ओके, जो भी आप लोग कंटेंट जो भी हमें कंटेंट लिखना होता है वो सारा टैग के अंदर ही होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, हेडिंग टैग अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा हेडिंग 1। ओके, उसके बाद में एक हमारे पास में टैग होता है H2, तो ये हमारा हो जाएगा हेडिंग 2। ओके, तो इस तरह से ये हमारे टैग्स होते हैं। एक चीज़ आप और ध्यान दीजिए कि कुछ टैग्स एम्प्टी टैग्स भी होते हैं, जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जिसका एंड टैग नहीं होता है, उसको हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, एक हमारे पास में इमेज टैग होता है। ओके, तो ये एक एम्प्टी टैग होता है, मतलब इसका क्लोजिंग टैग कुछ नहीं होता है, तो ये एम्प्टी टैग बोलते हैं हम इसको। एक एग्जाम्पल और मैं देता हूँ आपको, एक BR टैग। ओके, तो एक BR टैग होता है जो ब्रेक करता है हमारे लाइन को, उसको बोलते हैं एम्प्टी टैग, क्योंकि इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ हॉरिजॉन्टल रूल का। हॉरिजॉन्टल रूल एक एग्जांपल होता है एम्प्टी टैग का, क्योंकि इसका एंड टैग नहीं है। ये क्या करता है, आपको इमेज टैग आपको डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होता है, इमेज डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होता है। ब्रेक टैग का यूज़ करते हैं हम इमेज सॉरी एक लाइन ब्रेक करने के लिए। HR हॉरिजॉन्टल रूल का यूज़ होता है क्योंकि कभी हमें कंटेंट को कंटेंट के बाद एक हॉरिजॉन्टल रूल बनाना है, या फिर कंटेंट को पार्टीशन करना है उसके बीच में, तो इस वजह से हम हॉरिजॉन्टल रूल का यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने ये एक ओपनिंग टैग यूज़ किया। ओके, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इसके बाद में हमारा जो भी कंटेंट होता है इसका तीन पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड होता है। आप दो पार्ट में इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि एक मैं बॉडी ले रहा हूँ और दूसरा ऊपर वाला हेड। ओके, बाकी जो ये HTML होता है ये हमारा होता है रूट एलिमेंट। ये जो HTML होता है ये रूट एलिमेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर ही सारा, जैसे ड्राइव होती है कोई, तो जैसे आगे चल के मैं इसको सारा ही सेव करूँगा, तो एक जिस ड्राइव में सेव कर रहा हूँ, जिस फोल्डर में सेव कर रहा हूँ, तो उसको रूट फोल्डर बोल देते हैं। उसी तरह से इसके अंदर सारा हम सेव करेंगे जो भी HTML का कंटेंट होगा, तो इस वजह से इसको एक रूट एलिमेंट बोल सकते हैं। ओके, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, डॉक टाइप डिक्लेरेशन करना होता है। ये डिफाइन करता है कि हमारा जो कंटेंट लिखा हुआ है वो हमारा HTML5 में लिखा हुआ है। ओके, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ एलिमेंट के नाम से, .html एक्सटेंशन के साथ में मैं सेव कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ। टाइटल वो होता है जो हमारा डिस्प्ले होगा टैब के ऊपर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML एलिमेंट्स। ओके, मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख लेता हूँ H1 के नाम से, और मैंने इसके अंदर लिख दिया HTML एलिमेंट्स। उसके बाद में मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ। ओके, पैराग्राफ के अंदर कंटेंट में कुछ कॉपी कर लेता हूँ।
मैंने इधर पेस्ट कर दिया पैराग्राफ टैग के अंदर, तो ये भी जो कंटेंट हमारा रहेगा ये डिस्प्ले हो जाएगा हमारा ब्राउज़र के ऊपर। मैं इसको आपको दिखाता हूँ कैसे ये होगा। देखिए वो जो हेडिंग थी वो बड़े कैपिटल लेटर्स में एक बोल्ड आ रहा है, आपको दिखाई समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में जो पी के अंदर कंटेंट था वो इधर आ जा रहा है। अब जो एम्प्टी टैग मैंने बताए थे आपको थोड़ी देर पहले, उसका यूज़ मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने मेरे को क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि इसके बाद में एक ब्रेक आ जाए, मतलब इसके बाद का जो कंटेंट है वो नई लाइन से विजिबल हो। तो मैं क्या करूँगा, बी आर के साथ में सेव कर दूंगा और इसको पेज रिलोड करूँगा। तो ये देखिए आपका इसके बाद का कंटेंट शिफ्ट हो गया नीचे वाली लाइन पे। ओके, एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको एम्प्टी टैग का, एच आर हॉरिजॉन्टल रूल, वो क्या करता है आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, ये देखिए। ओके, तो ये हमारे दो एम्प्टी टैग के एग्जांपल थे। आगे चलते चलते जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग और भी पढ़ेंगे क्या होता है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये होती है कि हमें ध्यान ये देना होता है कि कोई भी टैग हम लोग अगर उसका एम्प्टी टैग वो नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे गलती की हुई है एचटीएमएल के साथ में, तो क्या करना है ये नहीं करना होता है। टैग का हमेशा प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए। अगर प्रॉपर एंडिंग उसकी नहीं है, क्लोजिंग टैग नहीं लिखा हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि ये हमारा छोटा डॉक्यूमेंट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब हम आगे चल के बड़ी 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 फाइल बनाएंगे, बड़ा डॉक्यूमेंट होगा हमारा, तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वो दे सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एरर आपको ऐसे देगा कि वो पेज, एक बड़ा पेज आपने 400-500 लाइन की कोडिंग करके रखी हुई है और क्लोजिंग टैग की वजह से एक एरर आती है, पेज लोड नहीं होता है वो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि अगर आपका कोई भी टैग ओपनिंग है, तो ओपनिंग टैग आप यूज़ करें तो क्लोजिंग टैग प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये आती है कि मेरे को मैं बता दूं कि ये टैग्स जो होते हैं केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कैप्स में लिया हुआ है, कैपिटल में लिया हुआ है, और वहाँ पे मैंने स्टार्ट ओपनिंग टैग जो है वो स्मॉल में लिया हुआ है, क्लोजिंग टैग आपका कैपिटल में है। तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो हमारा स्मॉल में क्यों कैपिटल में, बट ये आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग यूज़ हमेशा स्मॉल लेटर ही करें टैग्स के लिए, क्योंकि आगे चल के आपको कुछ जैसे H3C का रिकमेंडेशन होता है कि आप स्मॉल टैग ही यूज़ करें। तो इसका यूज़ मैं आपको आगे चल के जब XHTML बताऊंगा, एक टॉपिक है वो भी, तो मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने बोला था आपको ऐसा। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये आप लोगों को आगे भी इस तरह के वीडियोस मिलते रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। ओके, टेक केयर।